जड़ी बूटी के जानकारी के संदर्भ में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एक और औषधीय पौधे का। यह पेड़ है, क्षुप है, जिसके नीचे मैं बैठा हूँ। पौधे के रूप में शायद आप इसको नहीं जानते हों, अलग बात है। नाम के रूप में हर कोई आज इसको जानता है, क्योंकि आज हर कोई सुंदर बनना चाहता है। तो आपके सौंदर्यवर्धक जो हमारे पौधे हैं, उनमें से यह एक हमारा पौधा है, जिसको हम बोलते हैं मेहंदी। मेहंदी जो है हर कोई इसको जानता है। लॉसोनिया इनर्मिस, लॉसोनिया इनर्मिस यह इसका बॉटनिकल नाम है, और हेना प्लांट्स के नाम से इस पौधे को सभी लोग जानते हैं। और विशेष करके आप सभी को पता है कि अपने बुढ़ापा छिपाने का जो राज है, बुढ़ापा जल्दी से दिखता है आपके बालों से। उस बालों को यदि आप करना चाहते हैं काला, तो मेहंदी के पत्तों का पाउडर करके और उस पत्तों में थोड़े नील के पत्तों को मिला दें और उससे बाल को रंगें, तो स्थायित्व कालापन इससे मिलता है। और यह सब हम देश में बहुत सारे लोग करते भी हैं। हालांकि बालों को रंगने के लिए आज बहुत तरह के केमिकल भी मार्केट में हैं, पर वो केमिकल हार्मफुल हैं। यहाँ तक हमने स्वयं देखा है बहुत सारे लोगों को, जब बालों को काला करते हैं उस समय पर उनको यह पता नहीं चल पाता है कि वो काले के चक्कर में आप अपना क्या क्या नुकसान उठा रहे हैं। कई बार हमने ऐसा देखा कि वो डाई की वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। बहुत लोगों की आंखों की रोशनी क्षीण होते हुए हमने देखा, और वो केमिकल वाले डाई को लगाने की वजह से। बहुत सारे हमने ऐसे रोगी देखे जो डाई लगाने की वजह से उनको स्किन प्रॉब्लम हो गई, भयानक चर्म रोग आपके गर्दन में और आपके सर में। बहुत सारी औषधियाँ की हमने, कहा नहीं आप औषधि मत करो, पर ये काला रंग रंगना बंद कर दो। उन्होंने कहा आचार्य जी, हमारा सौंदर्य का राज तो इसी में छुपा हुआ है। हमने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं कि शुद्ध जो मेहंदी है ये सर्वत्र उपलब्ध है, नहीं तो पंसारी के यहाँ से आप इसके सूखे हुए पत्तियाँ लेकर के इसको पाउडर करके, नील की पत्तियाँ लेकर के पाउडर करिए, पीसिए, उसको घोलिए और थोड़ा सा उसको आप आँच में लोहे के कढ़ाई में उसको पकाइए और बालों में लगाइए, और फिर आप देखिए बालों का कुदरती काला रंग न नुकसान। इससे मस्तिष्क को शीतलता भी मिलती है, दिमाग को शांति भी मिलती है और बालों को रंग मिलता है। तो ये आपका एक दिव्य औषधि है। दूसरा, हमारे भारत में माताएं बहनें इसका बहुत प्रयोग करती हैं। मैं समझता हूँ कि यदि मेहंदी का पौधा न हो तो हमारी माताओं का क्या होगा, हमारी बहनों का क्या होगा। निश्चित रूप से माताओं बहनों को अपने सौंदर्य बढ़ाने के साथ साथ में इस मेहंदी के पौधों को बढ़ाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। अभी हमने इस जड़ी बूटी के कार्यक्रम के विषय में जब लोगों को जागरूक करना शुरू किया, तो एक सज्जन का मेरे पास एक ऐसा पत्र आया, वो उनका दर्द था उसमें। कहने लगे कि श्रद्धेय स्वामी जी की वजह से या आपकी वजह से लोगों में जड़ी बूटियों के प्रति जागरूकता तो बढ़ गई, जागरूकता बढ़ी है प्रयोग करने की। बोले जहाँ भी खड़ा मिलता है पेड़, जहाँ भी मिलती हैं लताएँ वनस्पतियाँ, लोग तोड़ने पर, उसको निकालने पर, उसके प्रयोग पर उतारू हो जाते हैं, पर लगाने पर बोले उतनी जागरूकता नहीं है। तो हम प्रयोग से पहले यह भी जरूर सोचें कि मैं प्रयोग कर रहा हूँ तो दूसरा आगे आएगा, तो उसके प्रयोग के लिए भी मैं इसका एक प्रयत्न, एक वृक्षारोपण, पौधारोपण और इन वृक्षों को बढ़ाने का कार्य भी मैं करूँ।